की घोषणा है। स्थायी परंपरा के बने रहेंगे। जो एक और सामान्य नागरिक को यह विश्वास दिलाती है कि उसका जीवन सहज रूप से चलता रहेगा, तो दूसरी ओर कई तरह की शंकाओं, षड्यंत्रों और महत्वाकांक्षाओं को मिटा देती है। यह धुंध क्रांति और अनिश्चय की टेढ़ी मेढ़ी कलियों से हटाकर मल्ल राज्य को विकास के पथ मल्ल राज्य के विकास की चिंता हमें भी है। यह ठेकेदारी आपको नहीं सौंपी गई है। लेकिन जब ठेकेदार ने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के डर से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहे तो हम क्या करें? चुपचाप खड़े देखते रहे कि राज्य भीतरी और बाहरी संकटों में घिरा हुआ है। सहस्रों नागरिकों का जीवन एक अंधे मोड़ पर ठहर गया है। एक पूरे का पूरा राज्य, सारी व्यवस्था, अनेक पीढ़ियों का संघर्ष और परिश्रम और निर्माण केवल एक पुरुष के अपवाद के डर से। मात्य परिषद को सुविनीत नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हमें लग रहा है इसकी संज्ञा दुर्विनीत होनी चाहिए। यह केवल आपकी प्रतिक्रिया नहीं है महाराज, प्रियदर्शी अशोक को भी ऐसा ही लगा होगा जब वे बौद्ध संघ को इच्छानुसार धन नहीं दे पाए। महाक्षत्रप रुद्रामा ने भी ऐसा ही सोचा होगा जब वे सुदर्शन सरोवर के परिसंस्कार में मनमानी राशि नहीं फेंक पाए। श्रावस्ती के नरेश को भी ऐसा ही प्रतीत हुआ। आप यूं क्यों नहीं कहते कि आप अपनी और अमात के परिषद की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं? मुझे उदाहरण बनाकर स्वयं एक उदाहरण बनना चाहते हैं, इतिहास के पृष्ठों में आकर अमृत के घूंट पीना चाहते हैं, जैसे अजातशत्रु के महामंत्री वंशकार, उदयन के महामंत्री योगेंद्र नारायण और चंद्रगुप्त के महामंत्री चाणक्य। आप जिस मनोस्थिति में हैं उसमें ऐसी आशंका करना स्वाभाविक है, और ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे मैं अपनी निश्चलता प्रकट कर सकूं। हम आत्म समय हो रहा है, हमें शीघ्रता करनी चाहिए। महत्तरिका श्रीमान महादेवी तैयार है? हाँ महोदय। उनकी सेवा में सूचना दो कि समय हो चुका। समझ नहीं आ रहा इस घड़ी क्या कहूं, बस यही आशा है कि आप स्थिति की अनिवार्यता को समझ रही हैं। हमारी व्यवस्था को तो महाराज, राज महिषी को जय माला दे दीजिए। महाराज महाराज जो कुछ मैं कहूं उसको दोहराइए। राज महिषी शीलवती, मैं मल्ल राज्य का शासक और काक अमात्य परिषद के इस निर्णय से पूरी तरह सहमत हूं कि आपको गर्भ सिद्धि के लिए 3 अवसर दिए जाएं। यह पहले अवसर की बेला है। कहिए महाराज। हाँ ठीक है, कहिए। मैं आपको आज की रात के लिए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक उपपति चुनने का अधिकार देता। कहिए महाराज। महाराज समय हो रहा है। महाराज अधिकार देता, कृपया पूरा वाक्य कह दीजिए। क्या तो दिया है आपने घड़ी भर के लिए?
केस का पात्र दूसरा है। सुन रही हो इन मंगलवादियों को? इन ध्वनि तरंगों में कितने आखिर रवियों की मांगे हैं। कहते हैं दूर दूर से आए हैं लोग प्रत्याशी बनकर। सुना है एक एक दिन में 50-50 योजन की दूरी मापने वाले धावकों का जाल बिछा दिया गया था। मल्ल राज्य के इस छोर से लेकर इस छोर तक एक भी नागरिक ऐसा नहीं जिस तक वह उद्घोषणा न पहुंची हो। तुमने सुनी थी ना? क्यों ऐसी बात को लेकर? क्यों नहीं सुनी होगी? राजधानी में तो पिछले सप्ताह एक एक गली एक एक मार्ग एक एक उद्यान एक एक सांसों की गति और रुधिर की धारा में घुल मिल गई है। ऐसे समा चुकी है मेरी चेतना में कि मैं सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते। सुनो सुनो फिर उभरा वही स्वर। मल्लराज के हर नागरिक को सूचना दी जाती है कि आज पूर्णमासी की संध्या को राजमहिषी शीलवती धर्मनटी बनकर राज प्रांगण में उतरेंगी। मल्ल राज्य के हर नागरिक को प्रत्याशी बनकर पधारने का आमंत्रण है। राजमहिषी शीलवती अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी नागरिक को एक रात के लिए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक उपपति के रूप में चुनेंगी। जानती हो यह आलेख किसने लिखा है? मैं कल ही अमात्य परिषद में यह प्रस्ताव रखूंगा कि उस व्यक्ति को निकाल बाहर किया जाए। उसने एक भयंकर भूल की है। कहता है अपनी इच्छानुसार किसी भी नागरिक को चुनेंगी। हाँ नागरिक नागरिक तो शिखंडी भी था, वहां होना चाहिए था किसी भी पुरुष को। पुरुष तो मैं भी हूं, वहां होना चाहिए था संपूर्ण पुरुष, पुंसत्व वाला पुरुष। देखो वो काक संभालो अपने आप को, यह परीक्षा की घड़ी है। हाँ मेरी परीक्षा, मेरी सहन शक्ति की, मेरे आत्मसम्मान की। इसमें तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए तो एक सप्ताह से तुम्हारे दर्शन नहीं, ठीक उसी दिन से जिस दिन से यह उद्घोषणा प्रारंभ हुई थी। मैं तुम्हारे सामने कैसे आ सकती थी? मुझे अपने आप को तैयार करना था। सारे संस्कारों के जाल छिन्न भिन्न करके, मूल्यों और मर्यादाओं को तोड़कर, अपना सारा मनोबल इकट्ठा करके मुझे इस घर तक पहुंचना था। इसके लिए तू भी आवश्यक थी, अनिवार्य थी। तो अब तुम तैयार हो? किस बात के लिए? धर्मनति, धर्म के पालन के लिए। सोच लिया है अपने अंकशायी होने का सौभाग्य ऐसे पुरुष को दोगे? इस तरह क्यों बोल रहे हो? किस तरह बोल रहा हूँ? इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। मैंने कहा क्या है? सीधा साधा सा तो प्रश्न है, प्राथमिकता किसे दोगी, रंग को, स्वास्थ्य को या सौंदर्य को? जानते हो कि मैंने स्वीकार कर लिया था। क्या? तुम्हें, तुम्हारी, तुम जैसे भी हो जो भी हो। धन्यवाद। मेरा यह मतलब नहीं था जो तुमने निकाल लिया है। मेरा तो यह मतलब था कि मैंने जीवन के इस रूप को स्वीकार कर लिया था। कभी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई घड़ी आ सकती है। वर्ष पर वर्ष बीतते गए और स्वीकार की लकीर और गहरी होती गई। फिर अब इस तरह इस सारे ढांचे को तोड़ फोड़ कर नए सिरे से। देखो आज की रात हम दोनों एक ही संग्राम के योद्धा हैं। बस हमारे